This is how we've been walking back and forth. I should have seen there's nothing else. So, Abir, how was the adventure? So far, with Mama. Boring. It's boring. Mama ne kya kya mistakes ki? I wasn't able to park. I forgot my mobile in the car. And? Mama wasn't sure she locked the car. Yes. Let's go and buy some spray paint. For Abir's castle. Shit. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. और छुट्टियों से जैसे ही हम वापस आए, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस के अंदर देखा होगा कि हम जो हैं वो पोर्टसमथ गए हुए हैं. पोर्टसमथ से वापस आते ही मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट डे ही फ्लाई करना था फॉर वेब समिट जो कि हो रही थी पोर्चुगल में. और हम जो हैं वो रह गए अकेले. पहले दो तीन दिन तो हम सामान ही समेटते रहे क्योंकि दो तरह की पैकिंग हुई थी और फिर छुट्टियों से आने की अनपैकिंग थी, तो सारी चीज़ें जगहों पे रखना था. और उसके बाद हम घर पे बोर हो गए थे. एक दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं अपने फ्रेंड्स के पास जो वॉटफोर्ड में चली जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं रात में जो है वो अकेले ट्रैवल नहीं करना चाह रही थी. और उसके बाद मैंने ये सोचा कि हम इस तरह से जो है वो अपने दिनों को डिवाइड कर लें. और एक दिन मैं अपने बच्चों को लाइब्रेरी ले गई थी और बच्चों के साथ ड्राइविंग करने का ये मेरा पहले एक्सपीरियंस था और अंधेरे में भी ड्राइव करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस था. तो मैंने कहा वो मैं सब चीज़ें कैप्चर करूं और क्योंकि ये भी एक आपकी एक बहुत अच्छी याद है. बच्चों का रिएक्शन क्या था और सब कुछ कैसे हुआ. ड्राइव में क्यों नहीं करती, ये इसके पीछे भी एक कहानी है. कभी फुर्सत में बैठ के मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी. एंड इज स्टिल चूजिंग व्हिच वन इज दिस कैप्टन एंड द पैंट्स. क्या बुक थी, बुक का नाम क्या था? Embassy of the Dead. And? Embassy of the Dead. Embassy of the Dead. Yeah. I just returned it. Did you see it? मैंने नाम थोड़ी देखे, मैं तो बस रिटर्न कर रही थी. उसकी सीरीज है ये भी एक. नार्निया, द सिल्वर चेयर. ऑलरेडी रेड कर लिया है भाई. देखिए बेटा गिर रही हैं. आप कोई और लिपि ले आई हैं? आप पढ़ लेंगी इतनी सारी? ओके. तो मामा अयान और अबीरा का ये एडवेंचर था. मामा फर्स्ट टाइम जो है वो अकेले नाइट में भी ड्राइव करेंगी. तो अयान एंड अबीरा, हाउ वाज योर एडवेंचर? ओके ओके ओके. कम्प्लीटली नाइट नहीं है, इतने अंधेरे में मामा चलाएंगी नहीं ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकल आए. हमने रेस्टोरेंट में नहीं खाया, हमने टेक अवे कर लिया सब कुछ. और आप शीशा बंद कर दीजिए, अदरवाइज यू विल फील कोल्ड. ठीक है. और अयान और अबीरा को भूख भी लग रही थी तो अयान और अबीरा ने जो है वो आयान आप कर सकते हैं, मुझे उतर के आना पड़ेगा फिर. चलिए अब हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं. इंटर से हम ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लाए हैं, बस अबीरा का प्रोजेक्ट जो है वो हमें कंप्लीट करना है, तो मेनली उसके लिए हम सारी शॉपिंग करके लाए हैं. और ये एक फ्रिज के लिए मैंने कैडी खरीदी है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सॉसेस होते हैं और वो सॉसेस की बॉटल्स फिर जब वो खाली होने लगती हैं तो वो लुढ़क पुढ़क होती हैं, तो मैंने कहा कि अब मैं इसमें रखूँगी. और बाकी सारी चीज़ें अबीरा का प्रोजेक्ट कम्प्लीट करने के लिए हैं, जिसका हम एक खाका साहब कह लें कि स्केचिंग हमने कर ली है और अब जो है वो बस उसको फाइनलाइज करना है कि डेकोर वगैरह करके. और ये हमारा ज़बरदस्त कैसल जो है वो तैयार है और हमने दरवाज़ा जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया है ताकि वो एक ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी दे सके. पानी जो है वो हमने नॉर्मल जो आपका प्लास्टिक बैग होता है उससे बनाया है. बाकी स्प्रे पेंट्स और स्टिकर्स लगाए हैं. स्टोन के ऊपर हमने प्लास्टर शाइन से पत्ते लगा दिए ताकि वो ट्री का इफेक्ट दे सकें, यानी एक गार्डन का इफेक्ट दे सकें.
और इसमें दो कैनन्स भी हैं जिसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि थीम हमें प्रिंसेस कैसल बनानी थी। बहरहाल ये कि अबीरा ने कहा कि मुझे कैनन्स लगाने हैं तो हमने कहा ठीक है आपका प्रोजेक्ट है। और पेपर के थ्रू जो है उन्होंने एक सीनरी बनाई है और कट करके बैट बनाया है। थीम हमारी प्रिंसेस कैसल थी। ये कैसल तो लग रहा है फोर्ट जैसा कैसल लग रहा है। बहरहाल बहुत अच्छा ज़बरदस्त बन गया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड। Where is the paper to check? होम डिलीवरी जो है वो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मेरा केस है मेरे हस्बैंड अवेलेबल नहीं है मुल्क से बाहर हैं और मैं एस्टा तक ड्राइव करना नहीं चाह रही क्योंकि वो काफ़ी जो है वो हैवी ट्रैफिक होता है उस रोड के ऊपर और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा बीमार है आप बहुत मसरूफ़ हैं गाड़ी ख़राब हो गई कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप जो हैं वो अपनी डिलीवरी स्लॉट जो है अपने टाइम के हिसाब से जो है वो बुक करवा सकते हैं। इस वक्त बस मैं डिलीवरी मैन बाहर खड़ा हुआ और मैं सिर्फ जो है हूँ वो टैली कर रही हूँ कि सारा सामान जो है वो सही आया है कि नहीं आया। दो आइटम्स जो कि हलाल आइटम्स थे वो उनके पास उस वक्त मौजूद नहीं थे तो वो ऑलरेडी मुझे ईमेल कर चुके हैं और वो पैसे उनके भी डिटक्ट हो चुके हैं। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप या तो सब्स्टिट्यूट ले लो या फिर सब्स्टिट्यूट सिरे से मना कर दो व्हेन यू आर प्लेसिंग द ऑर्डर। और इसके अलावा भी अगर वो चीज़ आ भी गई है और आपको वो नहीं चाहिए तो आप डिलीवरी मैन को मना कर सकते हो। उसके पास डिवाइस होती है वो उसी वक्त आपके पैसे डिडक्ट कर सकता है या फिर वो बाद में हो जाएंगे। आज का व्लॉग यहीं तक ही है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।